नमस्कार। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरी सुरक्षा के लिए कामना करी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं शाहीनबाग गई थी और शाहीनबाग में जो हुआ वो आप सबने देखा। मसला सिर्फ इतना है कि भाई जहाँ पर जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगते हैं, जहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली मानसिकता का एक तरीके से रूप ले रही है, हम वहाँ पर गए थे लोगों से बात करने के लिए और ये देखने के लिए कि कैसे कोई भारत की राजधानी के पीछे बैठकर इस तरीके की बातें बोल सकता है। और आज मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, एक बात और हुई वो ये कि ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई कि ये किसी भी और न विचारधारा से साप्ता रखने का मन है इनका। और जब तक आप किसी रेफरेंस से, जी हाँ, जब तक आप इनके किसी वेरीफाइड रेफरेंस के थ्रू इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे, आपके लिए इस प्रोटेस्ट में कोई स्वतंत्र जगह नहीं है। आपसे वो पूछते रहेंगे कि आपका क्या रेफरेंस है, क्या रेफरेंस है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों वो चाहते हैं, वो ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो वो छुपाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके ही लोग आए। ऐसा कुछ हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि मैं तो वहाँ आधे घंटे थी और उसके बीच में ही मेरे साथ ये सब हो गया। लेकिन ये ज़रूर संभावना है कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है, और इसीलिए चाहे वो वीडियो बनाने वाले हों, चाहे कोई स्वतंत्र पत्रकार हो, उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। हम सबको अब एकजुट होकर इसी मानसिकता के साथ लड़ना होगा और इनको एक्सपोज करना होगा कि भाई तिरंगा हाथ में लेने से आप भारत माता के प्रति जो अपने सद्भावना दिखा रहे हैं, वो सद्भावना आपकी कितनी गहरी है, वो आज आपने एक भारत की बेटी के साथ जो व्यवहार किया है उसके साथ प्रूव हो गई है। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि चलिए अब ये लड़ाई है और ये हमारे सिविलाइजेशन की लड़ाई है और इसके साथ इसमें हम सब एक साथ हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबका सहयोग और आप सबकी प्रार्थनाएं मेरे साथ, और दिल्ली पुलिस को विशेष करके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस कांस्टेबल जो थी, महिला कांस्टेबल, वो आके हमें निकाल पाई। वो दो बार आई, उनको दो बार महिलाओं ने पुलिस को भी खदेड़ दिया, सोचिए आप। और उसके बाद तीसरी बार जब वो आई, फिर वो हमें किसी तरीके से निकाल के सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकें। तो दिल्ली पुलिस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।